Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the van. सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एफ एफ बलवंत गेमिंग में। दोस्तों आज एक बार फिर से आपका भाई एक और न्यू एवं इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका है। तो गाइस आज के वीडियो में हम डायमंड रॉयल का बंडल निकालने वाले हैं, जो कि अभी हमारे डायमंड रॉयल में न्यू बंडल आया है। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, पूरा लास्ट तक वीडियो देख लिया, तो फिर आप यही बंडल नहीं, आप हर बार का डायमंड रॉयल का बंडल निकाल सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना अगर आपको भी जानना है कि कैसे वो डायमंड रॉयल का बंडल निकालना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक वाली ट्रिक बताने वाले है, जिससे आप डायमंड रॉयल का बंडल तो निकाल ही सकते हैं, और अगर बंडल नहीं तो मैजिक क्यूब भी मिल सकता है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं। तो ठीक है यार, फिर अभी चलते हैं अपन वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपके पास 10 टिकट है, मतलब मैं डायमंड खर्च करने की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, जो आपके पास डायमंड रॉयल के टिकट है बस उन्हीं में आप लोगों को डायमंड रॉयल का बंडल निकालने की ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आपके पास 10 टिकट होने चाहिए, और अगर आपके पास 7 या 8 टिकट हैं, तो जिनके पास 7 या 8 टिकट होते हैं तो वो बंदे क्या करते हैं कि यार एक एक का स्पिन मार देते हैं और उसमें सबका सब खर्च कर देते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको सबसे पहले, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो FF टोकन होते हैं उनसे आप डायमंड रॉयल के वाउचर मतलब एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहीं पे होंगे कहीं पे, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो जैसे कि आपके 7-8 टिकट हैं, तो फिर आपको यहां से एक या दो टिकट जितने की भी कमी पड़ रही है 10 में, तो आपको वो उतने वाउचर यहाँ से खरीद लेना है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, 40 FF टोकन में एक डायमंड रॉयल का टिकट मिल जाता है। तो अगर आपके पास 7 टिकट हैं तो आप यहाँ से 3 टिकट खरीद लो, और जैसे ही आपके 10 टिकट हो जाएंगे तो आपको 10 टिकट में हो जाएंगे तो आपको सीधा 10 का स्पिन मारना है। 10 में आपके 99% चांस होते हैं कि रेयर आइटम मिलेगा ही। और जिन बंदों के पास 10 से ज्यादा टिकट है, मतलब 11 12 13 14 15 जितने भी इतने हैं, मतलब 20 से कम और 10 से ज्यादा या 20 से ज्यादा, अगर मान लो आपके पास 15 टिकट है मेरी तरह, अभी मेरे भी 15 टिकट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मान लो आपके पास भी 15 टिकट है या 14 टिकट है, तो आपको पहले एक एक का स्पिन मारना है। अगर एक एक में आपको मिलना होगा तो फिर आपको मिल जाएगा। मतलब अभी मेरे पास देखो 15 टिकट है, तो मैं 15 में से पहले एक एक का स्पिन मारूंगा, क्योंकि यार अगर देखो एक एक स्पिन में मिलना होगा तो फिर मिल जाएगा। ओ भाई अभी ओ भाई पहले, अरे नहीं भाई ये तो यार, भाई मैं सोचा यार पहले ही स्पिन में मुझे मिलने वाला है, लेकिन मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट मिल गए। तो अभी हम दूसरा स्पिन भी मार देते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसे ही टिकट हैं तो आपको पहले एक एक के स्पिन मारना है, और जैसे ही आपके 10 टिकट बचे तो फिर आपको, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप देखते जाओ, बस मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा ही आपको भी करना है। और अगर आपके पास 23 टिकट है या 24 टिकट है, तो फिर आपको 4 टिकट पहले यूज कर लेना, उसके बाद आप 10-10 के दो स्पिन मार सकते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने जितने भी मेरे 10 से ज्यादा टिकट थे, मैंने वो सारे के सारे स्पिन मार दिए हैं, और अभी मैं एक क्लेम कर लेता हूँ। अब आप लोग देख पा रहे होंगे आपके जैसे 10 टिकट बचे तो आपको गोल्ड रॉयल पे आ जाना है, और गोल्ड रॉयल पे आने के बाद आपको यहाँ पे 10-10 के स्पिन मारना है। मतलब भाई आप यहाँ पे अगर 10-10 के दो स्पिन मार दोगे और कंटिन्यू आपको यहाँ से 10-10 के जल्दी जल्दी स्पिन मारना है, और तुरंत से गए डायमंड रॉयल पे और डायमंड रॉयल पे स्पिन मार देना है। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने डायमंड रॉयल पे स्पिन मारा, और ओ भाई मिल गया भाई बंडल, मैजिक क्यूब मिला। चलो कोई नहीं, ये भी वैसे बहुत ही काम की चीज है, इससे भी हम डायमंड रॉयल का ही बंडल खरीद सकते हैं, क्योंकि यार मैजिक क्यूब में ज्यादातर डायमंड रॉयल के ही बंडल देते हैं। तो गाइस आपको 10 का मतलब 10 का स्पिन मारना है, आपके पास 10 टिकट हो या 20 टिकट हो तो आपको 10 का ही स्पिन मारना है, और अगर आपके पास 20 से ज्यादा है या 30 से ज्यादा है तो फिर आपको एक एक के पहले स्पिन मार लेना है, उसके बाद आपको 10 का स्पिन मारना है, क्योंकि यार 10 के स्पिन में बहुत ज्यादा चांस होते हैं मिलने के, 1% चांस होता है अगर आप एक का स्पिन मार रहे हैं तो, और अगर आप 10 का स्पिन मारो ना तो 90% चांस होते हैं कि आपको कोई ना कोई रेयर आइटम जरूर ही मिलेगा। अभी मेरे सारे के सारे टिकट खत्म हो चुके हैं, चलो एक मैजिक क्यूब तो मिल गया कम से कम। अब गाइस मेरे पास ना ही तो डायमंड है और ना ही टिकट है, तो यार टिकट सबके पास होते हैं, तो आपको मैंने जो ट्रिक बताई है आप वही ट्रिक से निकालना, तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे बंडल मिलने के, और आप इसी में नहीं हर बार के बंडल में ऐसा ही कर सकते हैं। एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर आपके पास आप 10 का स्पिन मार रहे हो तो फिर आपको गोल्ड रॉयल में आके 10 का स्पिन जरूर मारना है, गोल्ड रॉयल में आपको 10 के स्पिन दो मार देना है, क्योंकि यार गोल्ड रॉयल वाउचर मतलब सबके
आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप 10-10 के स्पिन दो मार दो जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद आपको जाके सीधा डायमंड रॉयल में स्पिन मार देना है। अब गाइस मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सबको मिलेगा ही अगर आप ऐसा करोगे, तो यार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10-10 के दो या तीन स्पिन भी मारने पड़े। कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई 100-100 स्पिन मार देते हैं तब भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैंने जैसा बताया अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे ये बंडल मिलने के। तो ठीक है यार, बस यही था आज का हमारे वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेट ध्यान से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी प्रकार की इवेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।